हेलो एवरीवन, अनिशा दिस साइड। सो आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से देखो मैं पूरी पैक शेक हुई हूँ। बट मैंने जैसे ही उठते ही सुबह ये न्यूज देखी, क्योंकि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वही न्यूज आपको मिल जाए तो आपके लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली जो TSSP है उसने अपने TGT की वैकेंसीज जो है वो निकाल दी, उसका नोटिस जो है रिलीज कर दिया है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे वो सब कुछ इन्होंने बता दिया है। हालांकि अभी जो है शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है, प्रॉपर नोटिस अभी नहीं आया है, जो एक ऑफिशियल होता है, तो वो नोटिस भी आपका जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट नोटिस आ गया कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसीज रिलीज होंगी, किस किस सब्जेक्ट की रिलीज होंगी, क्या इनका एज क्राइटेरिया होगा, तो वो सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगी डिटेल से विद नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 7 फरवरी से भरे, जो 8 फरवरी से स्टार्ट होंगे इसके भरे जाने। 7 फेब को आपके जो PGT के फॉर्म निकले हुए हैं, जो कि अभी 9 तारीख से 9 जनवरी से भरे जाने स्टार्ट हो गए थे, वो अभी 7 फेब को खत्म हो जाएंगे। तो उसकी डेट खत्म होगी और इनकी स्टार्ट होगी, यानी कि 8 फेब से नेक्स्ट डे से जो है इनकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये भरे जाएंगे आपके 8 मार्च तक। तो यानी कि इसमें भी आपको एक महीना मिलेगा और एक ही महीना आपको PGT की। लेकिन PGT की पोस्ट तो आपने देखी ली है, कुछ भी नहीं है, एक एक पोस्ट निकाली है, कोई 5 है, कोई 4 है, तो उनमें तो बहुत ही मुश्किल है। बट स्टिल उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना हमारा काम है और तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। सो TGT की जो वैकेंसीज है ना, वो आपके पास निकली है 5118, यानी कि अप्रोक्स 5118 वैकेंसीज टोटल जो है आपकी ये वैकेंसीज हैं। इनका इतना बड़ा नंबर है तो आपका कहीं ना कहीं इसमें चांस लग सकता है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। और वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट की निकली है, मैथ्स की है, मैथ्स की अच्छी खासी वैकेंसीज है, अभी नोटिस के साथ मैं आपको दिखाऊंगी। इंग्लिश की, SS की, नेचुरल साइंस की, हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की, पंजाबी की और ड्राइंग टीचर की, सिर्फ ये वैकेंसीज हैं। बाकी अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट की नहीं होंगी, फिर वो रिलीज हो जाएंगी या हो चुकी होंगी। तो ये सब्जेक्ट की अभी निकली है, एज अभी मैं बताती हूँ, वही सब प्रॉपर जो है फॉर्मेट अभी नोटिस के साथ मैं आपको सारा समझाती हूँ। देखो DSSP से बढ़िया जॉब कोई नहीं हो सकती। इसका पहला फायदा तो ये होता है कि कोई भी स्टेट, ऑल ओवर इंडिया का बंदा इसको भर सकता है, और दिल्ली में जॉब। बट ये इसमें ये रहता है, एक तो वैकेंसीज बहुत लेट निकलती है। देखो मैंने PhD में जब एनरोल किया था 2020 में, जब मैंने पहली वैकेंसीज की देखी थी, और अब मैं दोबारा भरूंगी जब मेरी PhD कंप्लीशन पे है, तो 2020 और 2024, तो एक वैकेंसी जब भरी थी उसका जो फॉर्म, आपको पता है 2020 में नोटिस आया था, रिलीज हुए थे, उस टाइम पे मैंने PhD में एडमिशन लिया था। और अब जो है फिर PhD जो खत्म होने को है, अब भरूंगी इस फॉर्म को मैं TGT PGT। तो ये जो है आपका है। और दूसरा जो है इसमें दिल्ली में रहती है जॉब, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो बहुत बढ़िया जॉब है। चलो मैं अभी आपको देर ना करते हुए नोटिस दिखाती हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ये है हमारे पास ऑफिशियल नोटिस, ये देखिए इसमें जो डेट दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 58 जो है फेब है उससे लेके आपके पास 8 मार्च तक दे रखी है, जो कि आप रात को 12 बजे तक फिल कर सकते हो। तो इसमें जल्दी से अपने डिस्कस कर लेते हैं। TGT मैथ्स की देखो, मेल की जो वैकेंसी है वो है 231, फीमेल की जो है 192 है, और जो आपके पास जनरल है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल में है जो, वो है आपके पास 3 वैकेंसीज। तो यहाँ पर जो इंग्लिश की वैकेंसी है वो है 225 मेल के लिए, फीमेल के लिए 203, और जो जनरल है वो है 3 है पोस्ट जो आपके पास है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपके पास SS की वैकेंसी, जो SS की वैकेंसी यानी कि सोशल साइंस की, वो है 138 जो है वो है फीमेल के लिए, तो फीमेल की काफी अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पे। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 0 वैकेंसी है, इसमें कोई नहीं है। अब देखिए नेचुरल साइंस की मेल के अंदर 128 है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, आप जो है रिजर्व कैटेगरी की जो है वो साइड में नोटिस में देख सकते हो, फीमेल की जो है 79 है, और फिजिकल और नेचुरल साइंस की जो है वो 2 वैकेंसीज है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। हिंदी की जो 46 वैकेंसीज है वो आपके पास मेल की है, फीमेल की 91 है, और जनरल जो है वो है 3। संस्कृत की मेल की वैकेंसी 338 है, फीमेल की वैकेंसी 121 है, और जनरल जो है वो है 5। उर्दू की मेल की वैकेंसी 174 है, फीमेल की वैकेंसी 223 है, उर्दू की जो जनरल वैकेंसी है वो है 1। पंजाबी की जो वैकेंसी है वो है मेल के लिए 158, फीमेल के लिए वैकेंसी है 245, पंजाबी के लिए वैकेंसीज है 1। और उसके बाद जो लास्ट वैकेंसी है आपके पास वो है ड्रॉइंग टीचर के लिए, ड्रॉइंग टीचर के लिए आप देख सकते हो 196 वैकेंसीज है, तो 196 जो वैकेंसी है वो ड्राइंग टीचर के लिए है। और आपके पास ये वैकेंसीज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल के अंदर अभी तक कुछ वैकेंसीज नहीं आई हैं, उसके लिए कुछ नहीं पता है, अभी आगे देखो कोई नोटिस रिलीज होता है तो। तो टोटल वैकेंसी जनरल के लिए 2897 है आपके पास,
2897 जो कि काफी अच्छा नंबर है, और उसके बाद जो टोटल वैकेंसी होती है रिजर्व कैटेगरी की मिला के वो हो जाती है 5118। तो ये भी काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इनके लिए तैयारी कर सकते हो। और आप मेरे मिनी ब्लॉग्स को देख के ये भी देख सकते हो कि सब्जेक्ट को मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, बट जहां से आप कर रहे हो वो भी बढ़िया है, सब कुछ समझ में आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ हेल्प आपको मिल जाए तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम जो है आपके पास इतना नहीं है, तो जहां से आप पढ़ रहे हो अपना अच्छे से पढ़ते रहो, अपने टीचर पे अच्छे से भरोसा रखो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद पे भरोसा रखो, आता यही है बुक्स का ही, बस थोड़ा समझने की बात हो जाती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और अच्छे से अपनी तैयारी करो, इस बार तो जो लेनी ही है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी देखो, अभी हमारे पास अप्रोक्स 2 मंथ है, ज्यादा टाइम डी ट्रिपल एस भी नहीं देता है, क्योंकि अगर आपके मार्च में फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी तो आपके पास कितना टाइम होगा, वो विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर जो है एग्जाम ले लेता है, कंडक्ट कर लेता है। डी ट्रिपल एस भी बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट बोर्ड है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो कोई सिलेबस भी प्रीडिफाइंड नहीं है, और ऑनलाइन पेपर आपके पास 2018 का है, 14 का है, और आपके पास 2021 का है, तो वो प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो। और दूसरा, 1 जनवरी से मैंने जो है अपने डेली के सेशन मिनी ब्लॉग्स के थ्रू शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, कि कहाँ से मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैंने कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट किया है। मैं तैयारी कर रही हूँ TGT नेचुरल साइंस की और PGT फिजिक्स की। जो लास्ट वाला एग्जाम मैंने दिया था 2020 में, उसमें मेरे 10 से 12 मार्क्स, एक में मेरे 10 मार्क्स से जो है मैं रह गई थी और एक में मेरे 12 मार्क्स से रही थी, तो वो जो है मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे कोई आइडिया नहीं था डेट टाइम की डी ट्रिपल एस भी होता ही क्या, क्योंकि PhD की तरफ ही ध्यान था सारा। लेकिन अब देते हैं, मुझे नहीं पता था इतनी लेट लेट वैकेंसी निकलती है, अदरवाइज मैं उसी टाइम थोड़ी मेहनत कर लेती, क्योंकि जनरल सेक्शन तो मैंने उस टाइम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, सब्जेक्ट पे ही अपनी कमांड होती है। अब जो है तैयारी फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट सभी को। तो आप उन सेशंस को देख सकते हैं कहाँ से मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, मैं अपनी तरफ से तो देखो बेस्ट करती हूँ, बट आप भी अपनी तरफ से बेस्ट करते होंगे, तो ऐसे शेयर करके आप शायद अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।